वन हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय, स्टडी पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का सिलेबस। एसएसटी के स्टूडेंट्स के काफी समय से कॉल, मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे सिलेबस की वीडियो भी डाल दीजिए। दोस्तों, आज उन सभी बच्चों का, साथियों का, टीचर्स का जो यहाँ से गाइडेंस लेते हैं और हम सबके संपर्क में रह करके अपने साथियों को पढ़ाने का काम करते हैं, उन सभी का इंतजार आज खत्म हुआ और आज की वीडियो में हम टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, डीएसएसबी हो या केवीएस हो, एनवीएस हो या एचटेट हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो, टीजीटी एसएसटी का जो सिलेबस होता है वो 90% मैच होता है। जो फर्क रहता है वो थोड़ा सा ऑप्शनल के हिसाब से कई बार स्टेट लेवल पर रह जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डीएसएसबी के हिसाब से आज हम इसको बताएं ताकि डीएसएसबी, सीटेट और दूसरे टीचर्स का एग्जाम देने वाले साथियों को इसका पूरा पूरा फायदा हो जाए। आइए देखते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, डीएसएसबी का जो टीजीटी का जो सब्जेक्ट होता है सीएसएसटी, उसका जो सिलेबस है वो कई पोर्शंस में होता है, क्योंकि उसमें सिविक्स भी होता है, हिस्ट्री भी होता है। हिस्ट्री के तीनों पोर्शन होते हैं, एंशियंट भी, मेडिवल भी और मॉडर्न भी। उसी के साथ ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, पेडागोजी भी है और कुछ पोर्शन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी होते हैं। तो इसलिए साथियों हम एक एक चीज को देखकर चलेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन होता है उसमें, वो होता है पोर्शन ए। और पोर्शन ए की बात करेंगे तो पोर्शन ए में सबसे पहले बात आती है सिविक्स की, जिसे हम पॉलिटी भी कह देते हैं। सिविक्स का जो पोर्शन है दोस्तों वो काफी लंबा चौड़ा पोर्शन है। और एक चीज और ध्यान रहे, जो टीजीटी एसएसटी में जो सिलेबस होता है उसमें एक लंबा चौड़ा पोर्शन सिविक्स का है और वहां से जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी निकलते हैं और आसान भी होते हैं। थोड़ा सा सही तरीके से टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सोल्व करना और एग्जाम को क्रैक करना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज तैयारी करें, क्योंकि अगर कंप्लीट सिलेबस आपका तैयार है स्ट्रेटजी के आधार पर और सीरियल वाइज आपने तैयारी करी है तो आने वाले एग्जाम में आपको आसानी मिलेगी। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत करते रहो, जब राइट गाइडेंस और राइट स्टडी मटेरियल से तैयारी नहीं करेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। हम चाहते हैं कि सभी साथियों को फायदा रहे और एक तो आप देखेंगे कि स्टडी मटेरियल अच्छा प्राप्त करें। जिस साथी को नहीं मिलता है एसएसटी का, जो खास करके, वो मुझसे ले सकते हैं, सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग स्टडी मटेरियल लें, हम आप लोगों को देंगे और आप तैयारी करें। जिन साथियों को क्लासेज लेनी है उन सबको क्लासेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जिनको फ्री वीकेंड चाहिए उनको फ्री वीकेंड क्लास लेक्चर भी मिल जाएगा। और साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी वीडियोज या लेक्चर्स का लिंक भी दे दूंगा जो टीजीटी एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस के अंदर से बनाए गए टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया है। तो आपको सिविक्स के टॉपिक्स, आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, पेडागोजी के, वो सभी वीडियोज भी मेरे इस चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो में लास्ट में मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। यानी कोई भी हेल्प चाहिए आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, हम आपके साथ दिन रात खड़े हैं। आइए देखते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों सिविक्स की बात करें तो पहला ही जो टॉपिक होता है वो होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही इसमें आती हैं। तो गवर्नमेंट के टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक आपका हो सकता है जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का टॉपिक आपको करना है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का टॉपिक आपको करना है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया के अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा रोल इसका बन चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिख के देता हूं आपको, जैसे ही आपका एग्जाम हो और टीजीटी के पेपर को देखना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से वीडियो कोई भी क्वेश्चन ना मिले तो मुझे आके बता देना। हर लेक्चर में मैं आप लोगों को यह बात कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हर एग्जाम में क्वेश्चन देता ही देता है, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम जिसमें जीएस का पोर्शन होता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दोस्तों पार्लियामेंट यानी संसद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों के लिए तो मैं इस वीडियो में देने वाला ही हूं, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए होंगे ही होंगे। जुडिशरी दोस्तों, न्यायपालिका, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आ जाएगा, जुडिशरी का टॉपिक देखना है।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बर्निंग इश्यू भी आज के समय माने जा रहे हैं, तो इनके टॉपिक आपको करने हैं। गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी हिंदी वालों के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल, दिल्ली वाले साथी बीएसपी वाले उपराज्यपाल को जरूर ध्यान से रखें, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल और एलजी की जंग कोई नई नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, यानी जिनको हम लोग नॉर्मल भाषा में हिंदी वाले बच्चे इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी, डीपीएसपी को हिंदी में कहा जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। और मॉरल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य, ये टॉपिक आपको देखना है, यानी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड मॉरल ड्यूटीज। पंचायती राज दोस्तों, ये टॉपिक भी मैंने बना रखा, मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना उसमें से। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, एजी, अटॉर्नी जनरल, एक और जी, एडवोकेट जनरल, और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीवीसी की बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदी वाले इसे केंद्रीय सतर्कता कमीशन बोलते हैं, सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग, सीएजी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सीईसी चुनाव आयोग की बात हम करते हैं, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद। ये टॉपिक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सिविक्स के, इनमें से आपने कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। अगर यहां से छूटा तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम पेपर में हो जाए, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से लेकर के इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। आज मैं आप लोगों से यह प्रॉमिस लेता हूं कि हर रोज का आपने एक एक टॉपिक कवर करना ही करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का दे देता हूं, सबसे पहला टॉपिक आप कहीं से भी शुरू करें, बट एक एक टॉपिक आपको हर रोज कवर करना है, दो दो कर जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। दूसरा पोर्शन है दोस्तों ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस में प्लैनेट आ जाएंगे आपके, सारे के सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सारे के सारे प्लैनेट आ जाएंगे। प्लैनेट के ऊपर 25 से 30 क्वेश्चन बार बार होते हैं, उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो इस प्लैनेट की जो वीडियो है दोस्तों मैंने डाल रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिन साथियों को नहीं मिले मुझसे मांग सकते हैं। ये टॉपिक आपको करना है, 100% क्वेश्चन आता है, कभी लाल ग्रह पूछते हैं, कभी पीला ग्रह पूछते हैं, कभी नीला ग्रह पूछते हैं, कभी पृथ्वी के दूर पूछते हैं, कभी सूर्य के नजदीक पूछते हैं, कभी गर्म पूछते हैं, कभी ठंडा पूछते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस कर रखे हैं। एनवायरमेंट एंड इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, एयर एटमॉस्फेयर का टॉपिक जरूरी है, ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यानी मानवीय पर्यावरण, सेटलमेंट की पोजीशंस, ट्रांसपोर्ट यातायात, कम्युनिकेशन संचार, रिसोर्सेज नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर दोस्तों कृषि, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, ये टॉपिक जरूरी रहेंगे। इसी के साथ ज्योग्राफी में और टॉपिक रहेंगे दोस्तों, ग्लोब की स्थिति आपको देखनी है, वहां से टॉपिक जरूरी होते हैं। पोल जिन्हें हिंदी वाले बच्चे बंदरगाह कहते हैं, ये देखने हैं। रोडवेज यानी रोड्स, नेशनल हाईवे हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, ये आपको देखने हैं। वाटर के अंदर दोस्तों आपके कई सारी चीजें आ जाएंगी, पूरे का पूरा ओशियंस आएंगे, सी आएंगी, गल्फ वगैरह पढ़नी है। रिवर्स देखनी है, रिवर्स में आपका क्या रहेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जब आप गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और उसी के साथ काशी नर्मदा गोदावरी जब इंडिया की पढ़ते हो तो आपको नाइल टेम्स जैसी नदियां भी पढ़नी पड़ेंगी। जब इंडिया की अंदर आप नहरों की बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी कैनाल जैसी नहरें पढ़ते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर सावेज और पनामा नहर भी पढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे ये चीजें आपके लिए जरूरी है। कैनाल्स वगैरह आपको पढ़नी है, डैम्स दोस्तों बांध देखने हैं, और लेक्स झीलें, झीलें नेशनल भी होंगी दोस्तों और इंटरनेशनल भी होंगी, तो ये सब देखना है। जब इंडिया की बात करते हैं हम लोग, जब हम उत्तराखंड के अंदर सभी झीलों के पीछे ताल लगा हुआ पाते हैं, तो हम श्रीनगर के अंदर सभी झीलों के पीछे जम्मू कश्मीर में नाग देखते हैं। तो चाहे इंडिया की झील हो, चाहे वर्ल्ड लेवल के ऊपर कैस्पियन सागर और साइबेरिया के अंदर की बड़ी बड़ी झीलें देखते हैं, तो उनका भी क्वेश्चन आपका जरूरी होता है। तो ये दोस्तों कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी के हैं, इन सभी को आपने देखना है। चाहे दोबारा एक बार दिखा देता हूं, चाहे खनिज पदार्थ के हों, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो,
चाहे कम्युनिकेशन हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो, रेनिंग स्ट्रक्चर हो, माउंटेन्स इंडिया के हो, मिनरल्स पदार्थ हो, ग्लोब की स्थिति हो, पानी के रिसोर्सेज हो, सागर हो, महासागर हो, और उसी के साथ एक टॉपिक और है जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट की स्थिति भी देखनी है, गल्फ देखनी है, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया देखना है, भारत के पड़ोसी देश जरूरी रहेंगे, भारत में कहां कहां। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो अर्थक्वेक, टाइड्स, उसी के साथ वोल्केनो है, ये स्थिति भी आपको समझनी पड़ेगी। बांध, अगर डैम की बात करेंगे दोस्तों तो सरदार सरोवर सबसे बर्निंग माना जाता है, दुनिया का सेकंड नंबर का डैम बनाया गया, ये पढ़ना है। और उसी के साथ इंडिया में जितने भी डैम है, चाहे भाखड़ा नांगल डैम है, चाहे हीराकुंड डैम है, चाहे टिहरी डैम है, चाहे दूसरे डैम है जो भारत की योजना पहली में लगाए गए थे, ये सब आपको देखने हैं। ये मैंने वीडियोज बना रखी हैं, आपको मिल जाएंगी। उसी के साथ दोस्तों आते हैं हिस्ट्री के पोर्शन में। एक बिल्कुल ब्रीफ सिलेबस मैंने दिया है, जो टॉपिक दिए हैं वो मत छोड़ना, गारंटी है सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आता है, कल दो तीन बच्चों ने कल परसों मुझे कहा कि सर सीटेट के बारे में प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो गया, आप वीडियो डाल दीजिए सबको पता चल जाएगा। मैंने वीडियो डाली, जो डीएसएसबी के नोट्स होते हैं या फिर जो सीटेट अथॉरिटी ने सीबीएसई ने कहा है, वो सीबीएसई ने जो कहा वो सेम टू सेम मैंने डाला। कुछ लोगों को वहां भी प्रॉब्लम है, वहां भी डिसलाइक कर रहे हैं, वहां भी कमेंट कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है यार। जो बोर्ड बताता है वही बात अगर हम आप सबको बताते हैं और आप लोगों में से काफी लोगों को नहीं पता है तो उसमें डिसलाइक वाली कौन सी बात हो जाती है। दो दिन पहले जब एडमिट कार्ड की बात आई, बच्चों ने कहा कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड आए मुझे 10 मिनट बाद ही पता चल गया, मैंने वीडियो बनाकर सबको भेज दिया और दो तीन कम से कम 25 लोगों ने उस पर डिसलाइक किया है। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता, ये वो दोस्त हैं, हालांकि हमने पता भी है काफी सारे जो सेंटर हैं या काफी सारे जो चैनल वाले हैं उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो सिर्फ यही काम करते हैं सारा दिन कि अलग अलग चैनल्स की वीडियोज को डिसलाइक करो ताकि लोगों को लगे इसमें कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे वीडियो को लाइक किया करो प्लीज, क्योंकि 5-10 ऐसे जो शरारती तत्व हैं जिन लोगों का स्टडी से कोई मतलब नहीं है, जो 10-15 हजार रुपए की सैलरी लेकर के सिर्फ टाइम पास सारा दिन यहां करते हैं, उनका नुकसान हम सबको ना हो इसलिए हर वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट कर दिया करो और साथियों तक भेजा करो ताकि ऐसे लोगों का हौसला हम तोड़ सकें और हमारा हौसला हम बचाए रख सकें। अब देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री दोस्तों, हिस्ट्री को तीन पोर्शन में बांटा जाता है, एक आपका एंशियंट जो 2500 BC से 1000 AD तक मानी जाती है, एक होता है मिडिवल जो 1000 से लेकर के 1600 AD तक, और एक होता है मॉडर्न लेकर के और इंडिपेंडेंस और अब 2018 तक जो पोस्ट मॉडर्न जिसको कहते हैं। अब हम अगर एंशियंट की बात करेंगे दोस्तों तो एंशियंट में ज्यादातर क्या आएगा, सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, जितनी भी इंडस सिविलाइजेशन है वो सब आपको पढ़नी है। शुरुआत है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वेदाज, वेद हुआ आपके, उपवेद हुए, पुराण हुए, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आर्यों के आगमन से लेकर के पुराना कास्टिज्म तक आपको देखना है। जैनिज्म, जैन धर्म आपको पढ़ना है। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हूण, कुषाण, शक के बारे में आपको पढ़ना है, ये डायनेस्टी शुरू होगी, हूण, कुषाण, शक, हर्यक डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर्यक पढ़ना है। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण देखना है, मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त जैसे लोगों के बारे में और चाणक्य के इतिहास को वहां भी पढ़ना पड़ेगा। गुप्ता डायनेस्टी जो देश की सबसे ताकतवर मानी गई है उसके बारे में आपको देखना है। वर्धन वंश जिसका हर्षवर्धन सम्राट हुआ करता था, और पुष्यभूति, इसे पुष्यभूति भी कहते हैं, पुष्यभूति वंश को पढ़ना है, और चोल डायनेस्टी को देखना है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टीज हैं, हालांकि इनको जब पढ़ोगे तो इनमें कालिदास जैसे राइटर भी मिलेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम जैसी किताबें भी मिलेंगी, मेघदूत जैसी रचनाएं भी मिलेंगी, शेक्सपियर जैसे तुलना जिन लोगों के साथ की गई वो मिलेंगे, इसमें चाणक्य मिलेगा, इसमें आपको मेगास्थनीज भी मिलेगा, इसमें इंडिका नाम की किताबें भी मिलेंगी, यानी काफी सारे क्वेश्चन इन डायनेस्टी में और भी निकल के आएंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके सबके सबके नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, जब जिस बच्चे को जहां चाहिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों एंशियंट के बाद अगर हम बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री जैसे हिंदी वाले बच्चे बोले दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन की बात करेंगे दोस्तों
तो 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें हम लोग मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर के मोहम्मद गोरी को सलेव, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे गुलाम वंश आपको पढ़ना है, खिलजी वंश आपको पढ़ना है, तुगलक डायनेस्टी आपके लिए जरूरी है, सैयद वंश होगा, लोधी डायनेस्टी होगी, मुगल डायनेस्टी दोस्तों, मराठा वंश आपको पढ़ना है और सिखों का इतिहास को पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन रहेंगे, या आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो दोस्तों, ये मैंने ट्रिक भी डाल रखी है, जैसे सलेव डायनेस्टी है, जितनी भी डायनेस्टी है मध्य भारत में, इनको पढ़ने की सबसे आसान ट्रिक मानी जाती है, जिसमें हम कहते हैं गुल खिले तो सांस लो मुगलो, इससे सारी डायनेस्टियों का क्रम बन जाएगा, गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तो से तुगलक, से सैयद, लो से लोधी, मुग से मुगल। तो इस तरीके की ट्रिक्स भी आपको सारी वीडियोस में मुझे मैं दे दूंगा, और वो सारी डाल भी रखी मैंने, तो वहां से ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के से पहले का पोर्शन मिडवल आता है। मिडवल के बाद बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों आपको भारत में फॉरेन कंपनियों का आना, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन आपको देखना है, चाहे पुर्तगाली हैं, चाहे ब्रिटिश हैं, चाहे डच हैं, चाहे हॉलैंड के वासी हैं, चाहे फ्रांस के हैं और चाहे स्कॉटलैंड हैं, ये सबको फॉरेन कंपनियों को आना देखना है। इसकी ट्रिक भी मैंने और इसके वीडियोज भी मैंने डाली है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है, और एक दो दिन के अंदर 2.5 घंटे के एक वीडियो में डालने जा रहा हूं, जिसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया बाय बोर्ड, वो आपके लिए संजीवनी पोटी का काम करेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, और हम एक दो दिन में आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। अलग अलग वीडियोज मैंने पहले इसमें डाल रखे हैं, उनको आप देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे हम ट्रिक यहां देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, तो उसकी ट्रिक क्या होगी, उत्तर आटा डेड फसा, जैसे ऐसी ट्रिक्स, पुत्र से पुर्तगाली, ऐसे अंग्रेज, डैसे डच, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो यहां भी आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। उसी के साथ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, 1857 की क्रांति करेंगे, ऑल इंडिया सोशल रिफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटीज पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आएगा, यानी 1600 से लेकर के और 1947 तक का मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। 1600 से लेकर के अगर हम इसको बांटते हैं दोस्तों, तो ये मैंने लेक्चर बना रखे हैं, इसको इस तरीके से करेंगे। अगर भारत में ब्रिटिश का इतिहास देखते हैं, तो जैसे हम देखते हैं 1600 से लेकर के 1757, 1757 से 1857, 1857 से 1947, ये ब्रिटिश इतिहास माना जाता है। 1600 से 1757 तक ये 157 साल अंग्रेजों ने सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स किया, व्यापार किया, यानी 157 साल उन्होंने व्यापार किया। 1757 के प्लासी से युद्ध से लेकर के 1857, इन 100 सालों में उन्होंने भारत को गुलाम बनाने की प्रोसेस रखी, देश को गुलाम बनाया प्लासी के युद्ध से लेकर के क्रांति तक, और ये 90 साल दोस्तों हमारी आजादी के आंदोलन के हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। यानी 157 साल उन्होंने व्यापार किया, 100 साल उन्हें भारत को गुलाम बनाने में लगाए, और 90 साल हम लोगों को आजादी में लगाए। ये सारे पोर्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। और काफी सारे बच्चे कहते हैं सर हिस्ट्री में डेट याद नहीं होती, उनके लिए आसान चीज है दोस्तों, आपको डेट याद नहीं रखनी है, आपको घटनाएं याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, डेट से घटनाओं को जोड़ना है। जैसे मैं यहां आपको बता देता हूं, इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, बिल्कुल आसानी से महसूस होगा। जैसे ये डेट है 1905, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, सिलेबस के हिसाब से हमने वीडियो बनाई है। जैसे ये है दोस्तों, ये डेट सारी कंटिन्यू है, गिनती हर बच्चे को आती है, तो यहाँ डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, आप डेट से घटनाएं याद रखो। अगर क्वेश्चन आता है आपको पढ़ना कैसे है, 1950 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की फूट, 1908 खुदीराम बोस को फांसी, 1909 मार्ले मिंटो। यानी आपको घटनाओं से डेट याद नहीं करनी है, डेट से घटनाएं कनेक्ट करनी है, सारा टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। ये मैंने सब करके उसमें दिखा भी रखा है आपको। उसी के साथ दोस्तों इकोनॉमी का पोर्शन, इकोनॉमी के पोर्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इंडिया के जो बैंक्स होते हैं, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन आजकल इकोनॉमी में आता है, एग्रीकल्चर सिस्टम आपका, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और उससे रिलेटेड वर्ड्स एंड टर्म्स, बजट देखना दोस्तों,
फाइव ईयर प्लान पढ़ना है, डिफ्लेशन आपको पढ़ना है, डेमोनेटाइजेशन नोटबंदी देखनी है, और जीएसटी जैसे कानून है, इंडियन इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन है, भारत की इकोनॉमी कैसी है, किस प्रकार की है, कितने भागों में बांटी जाती है, क्या क्या इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, क्या आरबी है, क्या डबल आर है, क्या ट्रिपल आर है, ये नॉर्मल से इकोनॉमी के वर्ड है, ये भी आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाए। उसके बाद दोस्तों जिसको हम सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी या फिर इश्यू रिलेटेड टू सोशल साइंस कहते हैं, वो कुछ इश्यूज और हैं इसमें जिनमें देखते हैं, जैसे कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, यानी सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का जो कंसेप्ट और नेचर है वो आपको पढ़ना है। क्लासरूम प्रोसेस देखनी है, एक्टिविटीज गतिविधियां और डिस्कोर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग आपको तैयार करनी है, इंक्वायरी सिस्टम, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, सोशल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क और इवेल्युएशन, ये कुछ चीजें भी आपको देखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आने हैं। जो 100 नंबर का आप लोगों का 100 नंबर पेपर आप लोगों का ऑप्शनल का है, उसमें 75 नंबर का एसएसटी का सब्जेक्ट, 25 नंबर की पैडागोजी और इस टाइप के टॉपिक भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके को भी आप इसको अच्छे से तैयार करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको आसानी हो। एक बार फिर यही कहना चाहूंगा, अच्छे से सिलेबस को देखें, नोट करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करें, जो साथ चाहिए, जो हेल्प चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप लोगों की मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और उसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी वीडियोज को देखें और नोट्स बनाएं। सभी वीडियोज जो मेन वीडियोज अभी हैं, वैसे तो चैनल पे सभी वीडियो हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज के मैं लिंक दे दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो में इतना ही रहा है, और उसी के साथ आगे के लेक्चर्स को हम साथ साथ में बनाते रहेंगे और आप लोगों को मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें और एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी रखें।